हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मेरे चैनल में जाके मैंने आपको केदारनाथ के दर्शन कराए थे और साथ ही साथ उसके आसपास जो भी जगह है उसके साथ मैं आपको ले गई आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो वहाँ पे मूर्ति है वहाँ पे मैंने आपको दर्शन करवाए। फिर मैं आपको ले गई बैकुंठ भैरव के दर्शन करवाने के लिए। तो बहुत अच्छी मेरी यात्रा रही चार धाम की, तो वो चैनल में जाके आप ज़रूर देखिएगा। और अभी आज मैं नई वीडियो के सामने आपके साथ हूँ और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ बद्रीनाथ। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है सुबह 5:30 बजे से हल्द्वानी से, और अभी मैं पहुंचने वाली हूँ भीमताल होते हुए रानीखेत। तो दोस्तों, ये है आज का सफ़र मेरा। और आज सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा भी आज व्रत है और ये व्रत मैंने कैसे किया और ये व्रत बहुत ही आज बहुत ख़ास है मेरे लिए। मैंने सुबह सुबह जल्दी उठी, मैं जल्दी उठ के 2:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मेरी सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हुई। कोशिश की मैंने कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निपटाने की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी क्यों करी पूजा, वो इसीलिए क्योंकि मुझे निकलना था। आज मेरा चार धाम का रूट है बद्रीनाथ के लिए और 300 किलोमीटर एक दिन में हम लोगों को कवर करना पड़ता है और सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि 10 से 11 घंटे हम लोगों को लग जाते हैं। तो मैं निकल गई थी, इस वजह से मुझे 2:30 बजे सुबह उठना पड़ा और सारी तैयारियां मैंने करी। बहुत अच्छी मेरी तैयारी रही और सबसे अच्छी बात यह है कि पूजा मेरी बहुत अच्छी रही। तो मैं क्लिप्स ज़्यादा नहीं ले पाई लेकिन मैंने कोशिश करी कुछ क्लिप्स लेने की, तो मैं वो उसमें ऐड करूँगी। आप लोग देखिएगा मेरी पूजा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को और जानने वालों को शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग तो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ ये प्रयास जो मेरा है इसे सफल बनाइए और जो मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है, उसे आगे ले जाइए। हमारा फेवरेट पॉइंट मोना गांव।
जहाँ से पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखता है पहाड़ों का जब मौसम एकदम क्लियर रहता है। आज मौसम क्लियर नहीं है तो नहीं दिख रहा है। बहुत सुंदर जगह है रानीखेत, हमने क्रॉस कर लिया है। रानीखेत क्रॉस करने के बाद ये जगह आती है। और आज की जर्नी बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छी रही अभी तक की जर्नी। महादेव की कृपा से आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। और ये देखिए, ये है मौना गांव। हम जब भी इस रास्ते से जाते हैं, आपने देखा होगा, इस पॉइंट पर ज़रूर रुकते हैं क्योंकि बहुत सुंदर व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। रानीखेत का जो नज़ारा है, वो बीच का जो एरिया है, कैंट एरिया, वो हमने स्किप कर दिया, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। उसका ये कारण है क्योंकि कैंट एरिया में अलाउड नहीं होता और हमारा इतना फ़र्ज बनता है कि हम लोग रानीखेत का जो कैंट एरिया है उसकी आपको हमने वीडियो वहाँ पे मैंने नहीं बनाई। उसका ये कारण है क्योंकि कैंट एरिया में अलाउड नहीं होता। और इससे पहले कि आप लोगों को और हम लोगों को कोई रोके, हम लोगों का खुद का इतना फ़र्ज बनता है कि हम लोग वहाँ पे खुद ही से कैमरा ऑफ कर लें, क्योंकि हमारे देश के जवानों की सुरक्षा जब रहेगी तो उसी में हमारे देश की भी सुरक्षा रहेगी और हमारी भी सुरक्षा रहेगी। तो इतना फ़र्ज तो हमारा बनता है, तो इसीलिए वहाँ का एरिया हमने कवर नहीं किया। जैसे ही कैंट एरिया ख़त्म होता है, उसके बाद का सुंदर व्यू आपको दिखाया, तो आप देख सकते हैं इतनी सुंदर जगह है देवभूमि में, क्या कहना है यहाँ का। तो ये सुंदर सा गांव है, यहाँ का दृश्य आप देखिए, अगर मौसम साफ होता ना तो और भी बढ़िया यहाँ से दिखता। अभी हम लोगों ने रानीखेत कवर कर लिया है और अभी शायद 9:30 हो रहा होगा, तो 9:30 के आसपास अगर सुबह जल्दी निकलो तो 9:30 के आसपास हम लोग रानीखेत क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे दौराहाट, जो कि बहुत ही गर्म एरिया है। वहाँ पर तो जो इतने लेयर्स पहनी होती है ना, इतने कपड़े पहने होते हैं, वो वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ही गर्म एरिया है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे चौखुटिया, फिर वहाँ से गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग। तो देखते हैं कितनी देर तक हम लोग पहुँच पाते हैं। शाम तो हो ही जाती है, शाम के 5-6 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि बहुत थकान लग जाती है बाइक में बैठे बैठे, इसीलिए जगह जगह पर रुकना भी होता है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मज़ा आ गया। आज का मेरा खाना यही है, दही और केले। मज़ा आ रहा है, आज व्रत है और अभी हम आदि बद्री पहुँचने वाले हैं, भगवान नारायण के दर्शन होंगे। मज़ा आने वाला है आज। गर्मी बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, बहुत, और इतनी हालत ख़राब हो गई है। अभी हमने सोचा थोड़ा सा रुका जाए, जिस एरिया में बहुत गर्मी है उस एरिया में तो गाड़ी चलाने में भी हालत ख़राब है और पीछे बैठने वाले की भी हालत ख़राब है। और ये देखिए 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 मेरी मेहंदी, देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। इसमें भी वट सावित्री व्रत की मेहंदी लगाई है आज मैंने। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, पहुँच गई हूँ मैं आदि बद्री पहुँचने वाली हूँ, जो कि सिर्फ 16 किलोमीटर है, जहाँ पर भगवान नारायण ने बद्रीनाथ जाने से पहले यहाँ पर विश्राम किया था। तो उस जगह को आदि बद्री बोला जाता है और तभी से पूजा अर्चना वहाँ पे की जाती है। तो जब भी लोग बद्रीनाथ धाम के लिए आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रुकते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। और यहाँ पे मूर्ति है, एक काले रंग की मूर्ति है भगवान विष्णु की, उनकी यहाँ पे पूजा आराधना करते हैं, फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा अभी तक का महादेव की कृपा से। और अभी सिर्फ हमारा कर्णप्रयाग बचा है 35 किलोमीटर, और देखते हैं, अभी तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो कब तक पहुँचते हैं, कितनी देर होती है, थोड़ा अगर उससे आगे कवर कर लिया कर्णप्रयाग से तो
ठीक रहेगा, लेकिन सारी जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे। ऐसी वीडियो में बने रहिए आप लोग, और हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उसको भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। केदारनाथ की वीडियोज़ हैं, वहाँ के दर्शन हमने आपको करवाए हैं, और आगे भी बहुत अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। और सबसे अच्छी और सबसे सुंदर बात मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि मैं आपको ले जाने वाली हूँ जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता है, हेमकुंड साइड। तो वैली ऑफ फ्लावर्स तो अभी खुला नहीं है, वहाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ले जाने वाली हूँ। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, बहुत सारे लोग, सभी लोग मेरे ख्याल से तो जानते होंगे वहाँ के बारे में। तो वहाँ मैं आपको ले जाने वाली हूँ, कल उनके कपाट खुलने वाले हैं हेमकुंड साहिब के, तो वहाँ के मैं दर्शन करवाऊँगी। तो आप लोग ऐसी बने रहिए, बहुत कुछ आगे आने वाला है। इतना ठंडा पानी और इतने सारे मिनरल्स उस पानी में मिलते हैं, वो कहीं और नहीं मिलता। जो बॉटल्स सारी बिकती हैं दुकानों में, वो फेल है सब इसके सामने। और इतना ठंडा, ऐसा लग रहा है ऐसे फ्रिज से निकल के आ रहा है। पहुंच गए हैं चमोली से आगे, और हम लोगों को इतना भयंकर तूफान मिला है ना, बोलते हैं पहाड़ों में आओ, और वो बोलते ही है ना कि पहाड़ों का मौसम और बम्बई का फैशन कभी भी बदल सकता है। तो वही है, बारिश आने लग गई है, आधे रास्ते में तूफान मिला है ऐसा घंघोर वाला कि पूरी धूल ही धूल, जितनी गर्मी लेके आए थे ना सब उड़ गई। और यहाँ बारिश से देखिए शुरुआत हो चुकी है, अभी बहुत तेज हो चुकी है, अभी थोड़ा सा कम हो गई है, अब आगे जाके और मिलने वाली है। ऊपर आप बादल देख सकते हैं, काले बादल छाए।